हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नो कांटेक्ट का रीडिंग करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग होगा। जब भी आपके सामने आ रहा है, जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर होगा और आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हो, हर कोई देख सकता है रीडिंग को। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि कई दिनों से मेरा जो लॉन्ग वीडियोस है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहा है और टाइम का भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे घर का कुछ काम था और अभी तो मेरा हेल्थ इशू भी है, तो जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं अपलोड टाइम पर भी नहीं कर पा रही हूँ और रेगुलर बेसिस पर भी नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा जो है मेरा व्यूज़ जो है पहले से बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो मेरे अंदर जो है ना वो मैं बहुत काम करने के बाद टाइम निकल के जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तब मुझे लगता है कोई देखता ही नहीं है, तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। इसीलिए कई बार जो है और ज़्यादा अभी इन दिनों कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे काम के बाद मैं टाइम निकल के या फिर मेरा तबीयत भी ख़राब है उसके बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड व्यूज़ मुझे नहीं मिल रहा है और इसी वजह से मेरा जो है मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। और उसके अलावा भी मेरा बहुत काम था घर का और मेरा तबीयत भी ख़राब है, तो सो सॉरी जो लोग मेरा रेगुलर व्यूज़ हो, लॉन्ग वीडियोज़ देखते हो, उनके लिए मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए रोज़ एक लॉन्ग वीडियो लेके आने के लिए, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए आपका रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग मेरे वॉइस को सुन के आपको पता चलेगा कि मेरा मतलब तबीयत ख़राब है, इसीलिए वॉइस ऐसा आ रहा है। तो वॉइस के साथ भी आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। प्लीज़ एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है, जब भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उस टाइम पे मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन कैसा है। ओके, आज के दिन में पहला ही कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ वैंस का आया है, तो आपके पर्सन आपके लिए आपके तरफ आने के लिए खुद को रेडी कर चुका है। देखिए यहाँ पर साज धज के और एक बैंड लेके रेडी है आने के लिए, इस तरीके का एनर्जी है। शादी की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। नाइन ऑफ कप्स, आपसे शादी करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता, आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। 9-9 की वाइब्रेशन है, तो एक साइकिल यहाँ पर एंड होगा। ओके, आपके रिश्ते में और क्या है करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। विक्ट्री, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं आपके पर्सन, विक्ट्री चाहते हैं, किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, जैसे तैसे करके वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अभी उनका उस फुलफिलमेंट हो वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ही उनके लाइफ में चाह रहे हैं। और इस बार ये पर्सन जो है लॉयल बन के आपके तरफ आ रहा है। ओके, बॉटम द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। वन सेकेंड गाइस, मैं देख लेती हूँ आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको। मेरा जो कैमरा है ना इधर ऊपर में लगा हुआ होता है तो मुझे दिख नहीं पाता है, जिसकी वजह से कई बार जो है। ओके, मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है एरीस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। ओके, यस, पाइसिस बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बता रही थी कि आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं आपके तरफ आने के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लोग के पर्सन प्रिपेयर कर चुके हैं आपके तरफ आने के लिए, कुछ लोग के पर्सन अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, अभी भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है कि क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है। ओके, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आज के दिन में नहीं आए हैं। कार्ड्स में देखिए कोई भी लड़ाई, झगड़ा, फाइट कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरा सिंपल सा एनर्जी है,
बहुत ही प्यारी सा एनर्जी आपके पर्सन की, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आए हैं उनके एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो है न्यू मून गया है और ग्रहण गया है, ठीक है, सूर्य ग्रहण था, 10-10 पोर्टल गया है, ये तीनों एक साथ जो है गए हैं और आप सबके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी इफेक्ट पड़ा होगा इन दिनों। मैंने मेरे काम का बहुत प्रेशर था, मैं बाहर गई थी 1-2 दिन के लिए, फिर मेरा तबीयत भी ख़राब है जिसकी वजह से मैं रीडिंग आपको नहीं दे पाई। लॉन्ग वीडियोज़ बोलो, शॉर्ट वीडियोज़ भी मैं जितना पोस्ट करती हूँ उतना नहीं कर पाई मेरी काम की वजह से, और फिर मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, तो मेरे ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा है और शायद आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, इसीलिए वो जो है ना नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। ये जो एनर्जी है ना फ्रेश एनर्जी है कि एक नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना, आप लोगों के भी अंदर ऐसा हुआ होगा जब फुल मून था, ओके, जब ग्रहण के दिन था उसके आसपास आप लोगों का भी बहुत हैवी एनर्जी रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप लोग नेगेटिव थिंकिंग, बहुत इल्यूजन, स्लीपलेस नाइट, झगड़ा पार्टनर के साथ, कुछ अनबन हो जाना, ऐसा भी हुआ होगा जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो, या फिर जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में डील करते हो उनका ऐसा होता होगा, ठीक है, कि न्यू मून के टाइम या फिर ये जो ग्रहण वाला 10-10 पोर्टल गया है, यहाँ पर अगर आप लोग का बहुत बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ होगा तो आप समझ लेना कि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कार्मिक रिलेशनशिप में 9-9 पोर्टल 10-10 पोर्टल पे झगड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो लोग अदर कनेक्शन में हो, स्ट्रांगली डिवाइन कनेक्शन में हो, यहाँ पर भी टेस्ट एंड टिगर लिया जाता है न्यू मून फुल मून के टाइम 10-10 पोर्टल के टाइम, ठीक है, टेस्ट लिया जाता है कि आप कितने हद तक जो है आगे बड़े हैं, आपके अंदर कितना पावर आया है, आप चीज़ों को कितना पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो अलग सी बात है, कौन कौन सी कनेक्शन में हो वो बात में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जनरल प्रेडिक्शन है सबके लिए है, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, इस वक्त वो आपको खोना नहीं चाहते, जेबर की तरह पैसों की तरह यहाँ पर वो आपको पकड़ के जकड़ के रखना चाह रहे हैं, ठीक है, थीके? और वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे, प्रेयर कर रहे डिवाइन से, या तो फिर इतना ज़्यादा वो आपको मिस करे कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है, और काफ़ी उन्होंने पास्ट की जो भी गलतियाँ था, जो भी मिस्टेक उन्होंने किया है, उनको रियलाइजेशन है, ये जो बुरा वक्त गया है अभी अभी 2-3-4 दिन, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी रियलाइजेशन किया है और वहाँ से वो निखर के बाहर आ रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आपको दिख रहा होगा, जिन जो लोग नो कांटेक्ट में हो और इन दिनों अगर आपके पर्सन की कॉल मैसेजेस आते हैं तो आप देखेंगे कि पहले से थोड़ा बहुत चेंजेस है आपके पर्सन के अंदर और उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, हम कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि शादी की एनर्जी क्यों आए हैं और विक्ट्री कहाँ पे उनको मिलने वाला है या फिर कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल क्लैरिफाई करो कार्ड्स को। आज के दिन में कुछ लोगों को कोई जेस्चर रिसीव हुआ होगा या फिर होने वाला है, हाय हेलो, या फिर आपको पता चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके फ़ोटो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर आपका DP टैटस वो देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, किसी जेस्चर की एनर्जी है पहला ही कार्ड में। ओके, हैरोफेंट क्यों आया है, प्लीज़ एंजल गाइड करें, यहाँ पर हैरोफेंट क्यों आया है। हारमिट, देखिए यहाँ पर हारमिट कार्ड आया है और इस डेक से भी हारमिट कार्ड है यहाँ पर, तो आपके पर्सन ना, कुछ लोग के पर्सन अभी भी सोच विचार में डूबे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ से भी क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके मम्मी या फिर कोई लव्ड वन भी हो सकता है जो कि इमोशनली उनको रोक के रखा या रखे हुए हैं, और हमने क्लैरिफाई किया है यहाँ पर हैरोफेंट को जो कि शादी का कार्ड है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन थोड़ा मैनिपुलेट हो रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी इमोशनली उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको गलत समझा रहा है थर्ड पार्टी, ठीक है,
बहुत ज़्यादा इमोशनल मैनुपुलेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकता है, या तो फिर सिंगल है लेकिन मैरिज के लिए उनके मम्मी जो है थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं आज के दिन में, या फिर मून के टाइम पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आज के दिन में शादी को लेकर कोई मैनुपुलेशन है, लेकिन आपके पर्सन वहाँ से बाहर आके एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। वो खुद खुद के दिमाग से सोचेंगे, किसी की मैनुपुलेशन में वो नहीं आएंगे, इसीलिए हरमिट का कार्ड है। ठीक है, कंफ्यूजन जरूर है, बहुत सारे कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें बोला जाएगा, उनको कंफ्यूज किया जाएगा और इमोशनली उनका ब्रेन वॉश किया जाएगा कि आपके बिना मैं नहीं जी सकती, या फिर मैं जो बोल रहे हैं वही करना होगा, नहीं तो मैं सुइसाइड कर लूँगी, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में सोचते नहीं हो आप, तो मुझे प्यार करते नहीं हो, या फिर मैं मतलब क्या बोलते हैं कि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, ऐसा ब्रेन वॉश कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपके तरफ ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है तो डेफिनेटली जिनके साथ रिश्ता नहीं है उनके साथ ही न्यू बिगिनिंग होगा। जिनके साथ है वैसा तो न्यू बिगिनिंग की क्या बात है, राइट? जिनके साथ रिश्ता है वहाँ पर कैसा न्यू बिगिनिंग, राइट? वन सेकेंड, मैं कैंडल को फिर से चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओके, नाइन ऑफ कप्स की वहां है, कैसा हुई फुलफिलमेंट? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एस ऑफ वैंस, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहे हैं। हैंग्ड मैन, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी हैंग्ड है। पेज ऑफ सोर्स, टावर कार्ड, फाइव ऑफ कप्स, आपके पर्सन बिल्कुल हैप्पी नहीं है, अपसेट है, उनके लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, और जिस भी सिचुएशन में वो हैंग्ड है वहाँ पर टावर आया हुआ है, फाइट वगैरह हो रहा है यहाँ पर। ओके, आपके पर्सन के लाइफ में पैसों को लेके फाइट हो रहा है, या तो फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पैसा में यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं उनको, जिसके लिए आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। साथ ही साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी स्ट्रांग है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे हैं, कोई अदर लव्ड वन भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली में भी फाइट हो सकता है। तो इन सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ से आपके पर्सन बाहर आना चाह रहे हैं। इमोशनली वो उब चुके हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा उब चुके हैं, उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। यहाँ पर दो मेल मुझे दिखाई दे रहे हैं विथ पेज ऑफ सोर्स, बहुत सारे लोगों के साथ फाइट वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो दो मेल है यहाँ पर, एक फीमेल है, ओके, या फिर दो फीमेल है, तीन फीमेल है, दो मेल है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ फाइट वगैरह हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन ऊपर से दिखा रहे हैं कि बहुत हैप्पी है, खुश है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना ही आपके पर्सन की हैप्पीनेस है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, हरमिट कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। हरमिट का कार्ड क्यों आए हैं, हरमिट कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। यहाँ पर हरमिट कार्ड क्यों आए हैं, विक्ट्री, देखिए हारमिट के बाद यहाँ पर विक्ट्री आया, यहाँ पर विक्ट्री, दोनों डेक से विक्ट्री है। आपके पर्सन लड़ेंगे, ठीक है, सेवन ऑफ वैंड्स, लड़ रहे हैं जैसे कि मैंने बोला, और यहाँ पर प्लानिंग भी कर रहे हैं फाइट करने के लिए और जीत हासिल करने के लिए, ठीक है। कैसा विक्ट्री, लव लाइफ के लिए वो लड़ना चाह रहे हैं। यस, किंग ऑफ कप्स जो कि लव लाइफ को दिखा रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है हस्बैंड वाइफ के साथ फाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, या तो फिर पैसा को लेके फाइट हो रहा है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन डर रहे थे आपके लिए लड़ने के लिए, ठीक है, लव लाइफ के लिए लड़ते नहीं थे कि सोसाइटी क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगा, अदर सिचुएशन क्या बोलेगा, इसीलिए वो डरते थे, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। माई गॉड, आप देखिए एक के बाद एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, फुल कार्ड, जीरो कार्ड, और यहाँ पे एस ऑफ सोर्स, तीनों ही न्यू बिगिनिंग विद द फुल कार्ड, मतलब चार न्यू बिगिनिंग के कार्ड, और यहाँ से वर्ल्ड कार्ड, एक साइकिल एंडिंग यहाँ पर होगा, ठीक है।
मैजिशियन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, स्टार होपफुल है आपके पर्सन। मैजिशियन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, किसी के साथ डेफिनेटली फाइट हुआ होगा आज के दिन में, यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ से भी नाइन ऑफ कप्स, तो फाइट हो रहा है थर्ड पार्टी में और ये आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ये आपके पर्सन की मर्जी से हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फाइट और मूविंग ऑन का एनर्जी था, और यहाँ पर देखिए फाइट के साथ डेविल एनर्जी के साथ यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स आ गए हैं, मतलब कि यहाँ पर थर्ड पार्टी में फाइट हो रहा है बेशक। थ्री ऑफ वैंस विथ फाइव ऑफ वैंस द डेविल कार्ड, ओके थर्ड पार्टी में फाइट हो रहा है और कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स एंड दी स्टार एंड मैजिशियन। मैजिशियन क्या दिखाता है, मैनिफेस्टेशन को दिखाते हैं कि हमने इसको मैनिफेस्ट किया है, तो आपके पर्सन इसको मैनिफेस्ट किया है कि थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाए, ठीक है, जगलिंग से वो बाहर आ जाए। अगर दो सिचुएशन था, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप, एक तरफ कोई अदर पर्सन, एक तरफ आप, तो आपके पर्सन खुद यहाँ पर चाहा है कि थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो जाए। कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड है, हार्मिट के साथ थ्री ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ सोर्स, मैरिड अगर है तो यहाँ पर वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, नाइन ऑफ सोर्स एंड थ्री ऑफ सोर्स, जैसे कि उनके दिल पे तीन तीन खंजर कोई घुसल दिया है, रात को सो नहीं पा रहे हैं।